पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने प्रपात में छलांग लगा दिया। घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में कोहराम मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। युवक की पहचान रंजीत साकेत पिता रामसिया साकेत उम्र 24 वर्ष निवासी पथरौड़ा का बताया जाता है, जिसका पत्नी से विवाद होने के बाद प्रपात में कूदने की खबर आ रही है। सर अभी एक मामला प्रकाश में आया है बहुत ही अष्टभुजा वाटरफॉल का। यहाँ एक पथरौड़ा गांव का एक लड़का है साकेत परिवार का, जो है कल दोपहर से उसके पिताजी ने सूचना दी थी कि किसी कारण से परिवार के विरोध में वो आके नाराज होकर कूद गया है। सूचना पर हम लोगों ने जो है कल से ही लगे हुए हैं और करीब कल एक टीम सर्चिंग लगाई थी, 12-13 लोग टीम अंदर गई थी सर्चिंग में। अभी तक कल पता नहीं चला, आज भी 2-3 लोग गए थे, कोई सर्चिंग में बॉडी अभी मिली नहीं है और प्रयास अभी जारी है लगभग, और पानी में भी कोई ऐसी चीज अभी समझ में नहीं आ रही है। और वरिष्ठ अधिकारी को सूचना कर दिया गया है और SDRF जो टीम रहती है उसको भी सूचना दी, वो भी टीम आई रही है। 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, चूंकि घटना ऐसी है कि बॉडी का पता नहीं चल रहा है। हाँ, उसमें चूंकि जब तक चीजें दिखेगी नहीं, क्लियर नहीं होगा तो, और ऐसे भी नेचुरल 450 फीट गहरा है तो वहाँ बगैर किसी सुविधा के तो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। और सर्चिंग ऑलरेडी हो रही है, टीम वहाँ तक पहुँच गई है, लड़के वहाँ सर्चिंग में लगे हुए थे, स्थान जहाँ नीचे वहाँ तक पूरी टीम गई हुई थी, कोई ऐसी चीज़ अभी दिखी नहीं है। जब तक दिखती नहीं है तब तक कोई ऐसा कैसे अनुमान लगा जाए कि कहाँ पर चीज़ें। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना के बाद अभी तक SDRF, हाँ सूचना दे दी गई है, SDRF भी रवाना हो गई है और उसका तक आने का अनुमान है नई गाड़ी। अब रीवा से रवाना हो गई तो लगभग जो भी टाइम उनका लगेगा। पानी में सीधे गिरा हुआ लगता है ना। तगड़ा बंदर है, मोबाइल बचा गया, बाकी तकलीफ ना करें।